और आया आ जाता है गाइस। और ये देखो हे गाइस, कैसा हो? आई होप कि सब मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो बाय द वे गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी मैं नहा धो के रेडी भी हो चुका हूँ, क्योंकि आज मैं खाना खाने के लिए जाने वाला हूँ। तो मम्मी और दीदी तो चली गई है, तो मैं और आसरोल बाकी हूँ। तो हम लोग भी जाएंगे स्कूटर में। तो यहाँ से तो 15 किलोमीटर दूर है, तो हम स्कूटर में जाएंगे और मम्मी और दीदी तो टोटो में चला गया है। तो फिलहाल मैं अभी तैयार हो चुका हूँ, तासरो तैयार हो रहा है, तासरो तैयार होगा, उसके बाद हम निकलेंगे। बाय द वे गाइस, उधर से हम खाना खा के आ चुके थे, तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इसलिए वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी आ चुके हैं, तो हम थोड़े रास्ते में आए, तो यहाँ पे एक बागान देखी, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ पे हम रुके हैं। तो बाय द वे आसरोल यहाँ पे स्कूटर बैठा है। तो खाने में खाना कैसा बना था बताए? एकदम मस्त, बढ़िया, खा के मज़ा आ गया भाई साहब। तो खा के अच्छे से पेट भर के खा लिया मैंने, तो आसरोल भी खा लिया। और यहाँ पे हम उठे, अभी जा रहे घर जा रहे, तो थोड़ी देर जाना होगा, तो थोड़ी देर में हम घर भी पहुँच जाएंगे। तो इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं उधर ही, हम मिलते हैं। फाइनली गाइस, हम घर पहुँच चुके हैं। तो बाइक को इधर उठा कर रख दिए, और काफ़ी ज़्यादा धूप भी पड़ रहे थे, तो पसीने से पूरा भीग चुका है। तो फिलहाल मैं अभी नहा लूँगा, क्योंकि पसीने में तो रहना नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा इरीटेट फील होता है। तो फिलहाल मैं अभी नहा लेता हूँ। भाई देखा गाइस, मैं नहा के आ चुका हूँ, और वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और आपको तो पता है कि खाने की जो भीड़ होता है वो कितनी ज़्यादा होती है, कोई भी अनुष्ठान में जितना भीड़ होता है वो तो आपको पता है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, तो जिस वजह से ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना है। और उधर से हम आ चुके हैं, तो 4 बजे तो हम आए, तो 4 बजे आने के बाद फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय आए थे, तो वो लोग एक पार्सल लेकर गए। तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर वॉच ही होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वॉच ऑर्डर किया था, तो मुझे लग रहा है कि वॉच ही होगा। तो बाय द वे उसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो ये रहा डब्बा, तो इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो इसके अंदर लगते हैं वॉच ही है। तो इसको अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर कैसा वॉच है। तो बाय द वे गाइस, मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो इसको मैं ओपन डिलीवरी रखा था, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता इसके अंदर से कोई साबुन निकल जाए। मैंने ऐसा वीडियो काफ़ी सारे देखे थे, तो इसीलिए मैंने ओपन डिलीवरी किया था। लेकिन मैं खास करके फिर से मैं पैकेट किया आपके वजह से, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था। तो फिर से मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो इधर से तो मैंने फिर से ब्लैक टिप लगा दिया, तो इसको ओपन करने आ रहा हूँ। इधर से इसको फाड़ा, लग रहा है कि मैं बकरी काट रहा हूँ। इसको ऐसे काटते हैं और ऐसे निकल गया गाइस। देखो देखो इसको, देखो एक बार, देखो तो सही। तो इधर से आ जाते हैं पहले बिल के पास, तो ये वो अब आ जाती है मेरे मेन चीज़। तो ये है घोड़ी, अरे डब्बा का कोई ज़रूरत नहीं, इसको फेंको में तो कोई ज़रूरत नहीं। और इधर से देखो गाइस, ओपन डिलीवरी किया था, तो वो लोगों ने तो फिर ये फाड़ चुका है, तो मुझे फाड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करे, फिर से ओपन कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैंने फिर से फाड़ा, ए लो गाइस, तो ये फेंका। अब इसको करते हैं इधर से ओपन, ये भी गया। नाम बताना भूल गया, तो ये है बोल्ट मॉडल, जो कि इस घोड़ी का मॉडल है बोल्ट, ये नटराज कंपनी का है, ये बोल्ट मॉडल है। तो ये हमको MRP, इसका MRP मुझे पड़ा है 1700 रुपये का, तो ये 1700 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। ये आ जाते हैं वॉच, तो उसके पहले आपको एक मिल जाता है USB केबल। तो USB केबल ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मैग्नेट होगा दरअसल। तो इस और आया आ जाता है गाइस। और ये देखो गाइस, और अरे एक आ गया, तो इसको करते हैं नीचे। अरे ये और एकदम चमचमकती हुई, एक बार देखो, एक बार देखो। और यहाँ पे बोर्ड लिखा आ गया है गाइस, तो यहाँ पे बोर्ड लिखा मस्त आ गया। और यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स है, तो मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं पहली बार ही वॉच लिया हूँ, तो स्मार्ट वॉच तो मैं पहली बार लिया, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन आपको पता होगा तो आप अच्छे से यूज़ करना। यहाँ पे हार्ट बीट भी माप सकते हैं। अरे ये तो सेंसर भी ओपन हो गया, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे हैंड में पहनना पड़ेगा तभी होगा। और यहाँ पे सेंसर है पीछे की तरफ, जो कि आपका हार्ट बीट माप लेगा। तो बाय द वे गाइस, मैंने वॉच को अनबॉक्सिंग कर दिया,
और आपको कैसी वॉच लगी वो भी बताना। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी, उसके लिए मैंने परचेज किया। और अभी रात के 8 बज चुके हैं, तो फिलहाल मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ और मैं इस वीडियो को एडिट भी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं अभी एडिट करूँगा और मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को ए पेन कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल में भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए